झारखंड कैबिनेट की बैठक में 37 फैसलों पर लगी मुहर, 14 संशोधित नियुक्ति नियमावली मंजूर, राज्य में 30,000 नौकरियों का रास्ता खुला, नियुक्ति नियमावली में संशोधन न होने के कारण फंसी थी नियुक्तियां, 9वीं 10वीं के सामान्य वर्ग के बच्चों को भी निःशुल्क मिलेगी पुस्तकें, राज्य कर्मचारियों का डीए 3% बढ़ा दिया गया है, अब 31% उन्हें डीए मिलेगा, यूनिवर्सल पेंशन योजना के दायरे में ज्यादा लोग आएंगे। झारखंड सरकार ने विभिन्न विभागों की 14 संशोधित नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगा दी गई है। राज्य के इस फैसले से अब राज्य में नियुक्तियों का द्वार खुल गया है। इन सेवा नियमावली से 30,000 से ज्यादा खाली पद भरे जा सकेंगे, यानी 30,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि बैठक में कुल 37 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए मफतलाल को 6 महीने का काम देने को भी मंजूरी दी है। इसके तहत झारखंड के 64 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। बैठक में झारखंड आकस्मिक निधि से 4 करोड़ निकासी की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने जनवरी 2020 से जून 2021 के दौरान रिटायर हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों के ग्रेजुटी की गणना के फॉर्मूले में बदलाव को भी मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त अन्य फैसले जो लिए गए, ग्रेटर रांची का निर्माण अब नगर विकास विभाग करेगा। मार्च 2022 तक रिटायर करने वाले डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का भी 6 महीने का सेवा विस्तार कर दिया गया है। खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज लेने वाले सभी लोगों को मिलेगी धोती साड़ी, पहले बीपीएल को ही मिलती थी। एसटीएससी को पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित चिकित्सा सहायता योजना का नाम अब मुख्यमंत्री रोगी सहायता योजना होगा। झारखंड सिविल कोर्ट मैनेजर रूल्स 2020 के गठन को स्वीकृति दे दी गई है। पथ प्रमंडल दुमका के गोविंदपुर साहिबगंज रोड के 46 किलोमीटर के मजबूतीकरण के लिए 31,98,00,000 की स्वीकृति दे दी गई है। पथ प्रमंडल धनबाद के झरिया बलियारपुर रोड के 11.44 किलोमीटर चौड़ीकरण के लिए 44.49 करोड़ मंजूरी का फैसला भी दे दिया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।